विद मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अलग ही तरह की रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं। तो रेसिपी बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं सूखे, इस तरह के सूखे मटर की सब्जी बनाएंगे। इस मटर को हमने ओवरनाइट सोक करके भिगो करके रखा है और ये कुछ आलू हमने काट लिए है। एक आलू को इतने छोटे टुकड़ों में काट करके ले लिया है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सर जार लेंगे, एक बड़े प्याज को रफली हमने इस तरह से कट कर लिया है। ये एक आधी छोटी शिमला मिर्च को हमने इस तरह से बारीक कट किया है, इसे भी हम पीस कर यूज करेंगे। शिमला मिर्च डाल दिए, आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप मिर्ची यूज कीजिए। हम यहाँ पे दो हरी मिर्च ले रहे हैं। एक टमाटर को रफली चॉप करके लिया है। इन सब को मिला करके हमें एक अच्छा सा प्यूरी बनाकर रेडी करेंगे। फिर एक छोटा कुकर लेंगे, इसमें हम ये मटर को डाल के थोड़ा पानी, इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, बाद में हम सब्जी में यूज करेंगे। इसमें हम 1 पिंच हल्दी, थोड़ा सा नमक डालकर इसे हम गैस पे 2 सीटी लगा लेंगे। तो पीस कर रेडी कर लेते हैं और इसकी 2 सीटी लगने तक का वेट करते हैं। इसे हमने इस तरह से पीस करके रेडी कर लिया है, इसे साइड करते हैं। और इधर कढ़ाई गरम होने रखा है, अच्छा सा गरम हो गया है। इसमें हमने 1 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर गरम कर ली हूँ। अब हम इसमें 1 पिंच हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से अगर आलू में थोड़ा पानी वगैरह रहेगा तो वो जलेगा नहीं, आराम से भून जाएगा। तो इस आलू को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक आराम से भून करके रेडी कर लेना है। इसे कंटिन्यू चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन आलू करके रेडी कर लेना है। ये आलू देख सकते हैं काफी अच्छा सा भून कर रेडी हो गया। एक फोक से देख लीजिए, एकदम ही आलू ये पक गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छी सब्जी बनती है, इसे ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमें देते रहिए। इसे साइड में रखेंगे और एक तेज पत्ता, इसी ऑयल में हम आगे का प्रोसेसिंग करेंगे। एक तेज पत्ता डाला हमने, एक सूखी लाल मिर्च, इसे भी बीच से तोड़ लेंगे। 1 इंच दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, इसे इस तरह से हमने तोड़ लिया है, और कुछ जीरा। इन सबको अच्छे से हम क्रैकल करने देंगे। क्रैकल होने के बाद इसमें हम ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसी स्टेज पे उधर हमारा मटर की रेडी हो गया। गैस बंद करना हमें। इसमें हम जो सूखे मसाले सारे लिए हैं, ये हल्दी, एक लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये जो कि हमारे सब्जी को अच्छा सा कलर देगा, और ये गरम मसाला है। इन सबको डाल के और 1 मिनट के लिए भून लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम में ही भूनेंगे, हाई फ्लेम में नहीं तो मसाले जल जाएंगे हमारे। ये हो गया भून, डाल के मिक्स होके भून गया। अब हम ये जो प्यूरी बना करके रेडी किया है, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च का, उन सबको डालकर
अच्छे से ऑयल फॉर्म लेकर आराम से भून करके रेडी करना है। ये मसाले काफी अच्छा सा भून गए हैं, देख सकते हैं कि तेल छोड़ दिया है मसालों ने। अब हम क्या करते हैं, इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने मटर में भी डाला हुआ है, तो आप उसी हिसाब से टेस्ट के अनुसार नमक डालिए। नमक डालने के बाद इसमें हम ये जो मटर बॉईल करके रखा है, इस मटर को इसमें हम ऐड करेंगे। ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, इसे आप चावल के साथ, नान के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। इसे हमें हल्के हाथों मिक्स करना है और आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अगर चावल के साथ खाना है तो आप इसे थोड़ी पतली ग्रेवी बनाइए, और रोटी नान के साथ खाना है तो थोड़ा थिक रखिए। अब हम इसमें ये जो आलू बॉयल इस तरह से फ्राई करके रखा है इसमें डाल दूंगी और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और इस तरह की ग्रेवी ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ढक करके एक से दो बॉयल आने देते हैं। ये काफी अच्छे से बॉयल हो गया, रेडी हो गया सब्जी हमारी। देख सकते हैं कितनी टेस्टी और काफी अच्छी सब्जी बनकर रेडी हुई है। एकदम ही हल्के हाथों से चलाएंगे क्योंकि मटर जो है एकदम ही सॉफ्ट है, तो देख सकते हैं सब्जी अच्छी और थिकनेस भी इसकी अच्छी है। गैस को बंद कर देना है, थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर देंगे। बहुत अच्छी लग रही है ना देखने में सब्जी, इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमें देते रहिए। इस तरह से हम प्लेटिंग कर लेंगे। आलू मटर की सब्जी बनकर रेडी हो गई है, काफी टेस्टी और काफी अच्छी सब्जी बनी है। इसे ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक देते रहिए फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।